एरिया बाउंडेड बाई द एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू वन एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। तो इसका एंगल बाई सेक्टर दो लाइन मिलेगा और एक लाइन ये है। ये तीनों लाइन से जो एरिया बाउंड होगा ट्राइंगल का, उसका एरिया फाइंड करना है, बताना है क्या होगा। देखो इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू वन, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो कर देंगे। इससे सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फैक्टर क्या होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं, दिस इक्वल लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस ए और यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस बी। ए बी कॉन्स्टेंट है और कंपेयर करके ए बी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसको इंटू करते हैं, इंटू करेंगे तो फर्स्ट दोनों इंटू करने से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आएगा और प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस ए इंटू एक्स माइनस वाई और लास्ट में प्लस ए बी होगा। अब कोफिशेंट कंपेयर करते हैं। देखो एक्स का कोफिशेंट इधर जीरो है और इधर इसका कोफिशेंट कितना होगा, इधर इसका कोफिशेंट होगा बी प्लस ए, ठीक है। वाई कोफिशेंट यहाँ पे टू है और यहाँ वाई कोफिशेंट होगा बी माइनस ए, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने से ए और माइनस ए कट जाएगा ना, तो टू बी इक्वल टू आ जाएगा टू, मतलब बी का वैल्यू आ गया वन। तो b का वैल्यू जब 1 आ गया तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू जीरो है ना। तो a का वैल्यू b का वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वन और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई प्लस वन। ये दोनों लाइन हो गया इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब ये दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसके बाद उसका एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और देखते हैं कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है। देखो ये हम बना लेते हैं, ये हो गया मान लो कि एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस और दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा। देखो एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल जीरो करो, तो इससे एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा, वाई इक्वल टू जीरो रखने से, वाई इक्वल जीरो रखें एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू वन कोमा जीरो, और अगर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू रखो जीरो, तो वाई इक्वल टू वन, तो वाई इक्वल टू वन ये वाला जीरो कोमा वन। तो ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगा मेरा, जो भी लाइन ये फर्स्ट लाइन हो गया, तो इसको ड्रॉ ज्वाइन कर देते हैं। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे हाँ, तो ये लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, ठीक है। जो दूसरा लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देखो, तो वाई जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन को मैं जीरो हो गया। जब एक्स इक्वल जीरो करेंगे तो वाई इक्वल टू वन, यही वाला पॉइंट। अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो जब ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे इसे एक्सटेंड कर देते हैं। देखो ये जो लाइन है ये एंगल 45 डिग्री है और इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप माइनस 1, तो एंगल है 135 डिग्री। तो अब देखो ये जो दोनों लाइन बना है उसका एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा बताते हैं। देखो ये दोनों लाइन का उसका एंगल बाइसेक्टर एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल बाइसेक्टर हो रहा है ये ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगा वर्टिकल लाइन, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मिल गया, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन है, इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन तो हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू वन और ये वर्टिकल लाइन जिसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात क्लियर हो गया। अब तीसरा लाइन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीसरा लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री है, तो थ्री थ्री हो जाएगा इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो और यहाँ यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होगा जीरो कॉमा थ्री। तो जब ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं, चलो इसको हम ब्लू से बना देते हैं। ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो कैसा लाइन बनेगा वो देखो, ऐसा लाइन बन जाएगा, ठीक है। थ्री और थ्री एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है देखो, तो जो मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो यही वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को बता देना है, क्योंकि एरिया फाइंड करना था ना, एरिया बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो एरिया जो है वो कौन कौन सा ट्राइंगल, कौन पॉइंट से मिलकर बना ट्राइंगल, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से सी तक का लेंथ फाइंड करेंगे और ए से बी तक का लेंथ फाइंड करेंगे, मतलब इस लाइन को सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो से, तो थ्री कोमा जीरो, थ्री कोमा जीरो पॉइंट मिला, तो थ्री कोमा जीरो और ये जीरो का वन, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो जाएगा थ्री माइनस वन टू, ये लेंथ टू मिल गया, ए बी का लेंथ टू। अब बी सी का लेंथ फाइंड करना है, तो वाई इक्वल टू वन और कौन सा लाइन है, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये दोनों लाइन को हम सॉल्व करते हैं। तो वाई इक्वल टू वन अगर रखेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू
वन टू कॉमन पॉइंट होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा टू, ठीक है। तो डिस्टेंस टू हो गया, एरिया कितना आया इसका, देखो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब टू स्क्वायर यूनिट्स। तो टू स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गया जो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन, ओके।